अगर आपकी भी हर सुबह ये टेंशन रहती है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही कम तेल में बनने वाला बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर का हेल्दी नाश्ता, जिसको बनाना भी आसान है और ये केवल आप 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना सॉफ्ट है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप इसको लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। तो इस नाश्ते के लिए ना ही तो आपको अलग से सब्जी बनानी पड़ेगी, ना ही आपको इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम पालक ली है, जिसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो के एकदम महीन महीन काट के तैयार कर लिया है। तो अब इसे किसी बड़े बर्तन में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पालक के पीछे जो थोड़े से मोटे वाले डंठल होते हैं, आपको उसको निकाल देना है और आपको एकदम यहाँ पर सॉफ्ट पालक के पत्तों का यूज़ करना है। तो यहाँ पर पालक को अच्छी तरीके से फाइनली चॉप करके लेना है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर को मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके लिया है, ताकि इसके अच्छी तरीके से बड़े बड़े पार्ट नाश्ते में दिख सके। और अब इसमें मैंने एक बड़े साइज का टमाटर फाइनली चॉप करके लिया है और अब इसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 छोटा वाला चम्मच हल्दी कलर के लिए और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है और यहाँ पर खट्टेपन के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर लगभग आधा छोटा चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप यहाँ पे अमचूर की जगह पे नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1.5 कप बेसन ऐड करेंगे। आप बेसन की जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। पहले हम मिक्स करके देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमको पानी की ज़रूरत लगेगी, उसी हिसाब से हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएँ। तो आप यहाँ पर पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये काफ़ी अभी गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है। तो इसमें ना ही तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना है और ना ही आपको इसको बहुत पतला रखना है, ना ही आपको यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर बैटर बिल्कुल तैयार है, तो इसकी हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन को अच्छी तरीके से हम गर्म करेंगे। आप यहाँ पर पैन भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने तवे का यूज़ किया है। तो इसको सबसे पहले हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पर 2 बड़े चम्मच हम बैटर को इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से गोल शेप देते हुए हमें इसको फैलाना है। तो इस नाश्ते को ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही आपको इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो चारों तरफ से इसको अच्छे से हम गोल शेप देके फैला देंगे। तो इसको स्पैचुला से इस तरीके से हमें शेप दे देनी है और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम चारों तरफ से इसमें ऑयल स्प्रेड कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए ये ऊपर से ड्राई हो गया है। तो इसको पलट लेंगे तो देखिए इसमें कितना बढ़िया से कलर आ गया है। तो दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट इसको और अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हमें इसमें ऑयल स्प्रेड कर देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी साइड से भी इसमें कितना बढ़िया से कलर आ गया है। तो हमारा जो नाश्ता है वो बनके बिल्कुल तैयार है।
तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं लेकिन आप कुछ हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो ऐसा ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी के साथ साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी है और सब्जियों से भरपूर है तो काफ़ी हेल्दी भी है, आयरन से भरपूर। तो दूसरा ब्रेकफास्ट भी हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और आपको इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इसको बनाने में आपको केवल 1 से 1.5 चम्मच तेल का यूज़ करना पड़ेगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको इसके लिए सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इतने से बैटर में आप यहाँ पर 5 से 6 नाश्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने कम टाइम में हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।